हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं क्लास ट्वेल्थ सेकंड चैप्टर के पार्ट सिक्स में, जहां हम डिस्कस करेंगे डबल फर्टिलाइजेशन, इंडोस्पर्म, डाइकोट एम्ब्रियो और मोनोकोट एम्ब्रियो के बारे में। सबसे पहले डबल फर्टिलाइजेशन, जैसा कि हम जानते हैं कि पोलन ट्यूब से दो मेल गैमेट्स रिलीज होता है और दोनों मेल गैमेट्स सिनर्जिट्स के थ्रू इंटर करता है, और इंटर करने के बाद में एक मेल गैमेट एग सेल के साथ फ्यूज करता है और डिप्लॉयड सेट जायगोट बनाता है, जिसको हम लोग सिनगैमी कहते हैं। वहीं दूसरा मेल गैमेट पोलर न्यूक्लियाई, जो कि सेंट्रल सेल के अंदर में मौजूद होता है, उसके साथ में फ्यूज करता है और बनाता है ट्रिप्लॉयड प्राइमरी इंडोस्पर्म न्यूक्लियस। यहाँ पे जायगोट जो है की प्लॉयडी 2n होती है, वहीं पे प्राइमरी इंडोस्पर्म न्यूक्लियस की प्लॉयडी जो होती है वो 3n होती है। और चूंकि यहाँ पे तीन हैप्लॉयड न्यूक्लियाई का फ्यूज़न हो रहा है, इसलिए हम लोग इसे ट्रिपल फ्यूज़न कहते हैं। अब चूंकि दो तरह का फ्यूज़न हुआ, एक हुआ सिंगगैमी और दूसरा हुआ ट्रिपल फ्यूज़न, इसलिए इस फेनोमेनन को हम लोग कहते हैं डबल फर्टिलाइजेशन, जो कि एंजियोस्पर्म का करेक्टरिस्टिक फीचर है। जो सेंट्रल सेल है फ्यूज़न ट्रिपल फ्यूज़न के बाद में, वो बदल जाता है प्राइमरी इंडोस्पर्म सेल में और डेवलप हो जाता है इंडोस्पर्म में, वहीं जायगोट डेवलप होता है एम्ब्रियो में। ये क्वेश्चन एक नंबर का पूछता है कि सेंट्रल सेल ट्रिपल फ्यूज़न के बाद किस चीज़ में कन्वर्ट होता है, तो वो प्राइमरी इंडोस्पर्म सेल में कन्वर्ट होता है। अब प्री पोस्ट फर्टिलाइजेशन स्ट्रक्चर एंड इवेंट्स, के फर्टिलाइजेशन के बाद कौन कौन से स्ट्रक्चर बनते हैं, तो जितने भी इवेंट्स होते हैं, चाहे वो इंडोस्पर्म डेवलपमेंट के हों या एम्ब्रियो डेवलपमेंट के, या ओव्यूल की मैच्योरिटी हो सीड के अंदर में, ओवरी की फ्रूट के अंदर में, ये सबको मिलाकर हम लोग पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स कहते हैं। सबसे पहले हम लोग देखते हैं इंडोस्पर्म के बारे में। यहाँ पे डिफरेंट टाइप के इंडोस्पर्म की पिक्चर दिए हुए हैं। अब यहाँ एक नंबर का क्वेश्चन हमेशा पूछता है कि इंडोस्पर्म डेवलपमेंट हमेशा एम्ब्रियो डेवलपमेंट से पहले क्यों होता है, तो इसलिए क्योंकि जो इंडोस्पर्म टिश्यू हैं उनके अंदर में रिजर्व फूड मटेरियल होते हैं और वो डेवलपिंग एम्ब्रियो को नरिशमेंट प्रोवाइड करता है, इसलिए इंडोस्पर्म का फॉर्मेशन हमेशा एम्ब्रियो के फॉर्मेशन से पहले होता है। ये एक नंबर का क्वेश्चन एग्जाम में हमेशा आता है। अब यहाँ पे टाइप ऑफ इंडोस्पर्म डेवलपमेंट, इंडोस्पर्म डेवलपमेंट कितने तरह का है, तो दो तरह से होता है। एक है फ्री न्यूक्लियर इंडोस्पर्म और दूसरा है सेलुलर इंडोस्पर्म। यहाँ पर से भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछता है, एक तो ये कि दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है फ्री न्यूक्लियर इंडोस्पर्म और सेलुलर इंडोस्पर्म में, उसके अलावा एग्जाम्पल से कि फ्री न्यूक्लियर इंडोस्पर्म का एग्जाम्पल बताइए या सेलुलर इंडोस्पर्म का एग्जाम्पल बताइए, यहाँ से भी क्वेश्चन आता है। तो फ्री न्यूक्लियर इंडोस्पर्म में क्या है कि जो पेन है प्राइमरी इंडोस्पर्म न्यूक्लियस, उसके अंदर में लगातार न्यूक्लियर डिवीजन होता जाता है, जैसा कि हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं कि प्राइमरी इंडोस्पर्म सेल में के अंदर में प्राइमरी इंडोस्पर्म न्यूक्लियस में ये फ्री न्यूक्लियर डिवीजन हो रहा है, एक से दो, दो से चार, इस तरह से ये बनता जा रहा है और वहाँ पे फ्री न्यूक्लियाई का फॉर्मेशन हो रहा है। तो ये इसको हम लोग कहते हैं फ्री न्यूक्लियर इंडोस्पर्म, जिसका एग्जाम्पल है जो हम लोग नारियल पानी पीते हैं, वो थाउजेंड्स ऑफ न्यूक्लियाई का बना हुआ है, वो फ्री न्यूक्लियर इंडोस्पर्म का एग्जाम्पल है। तो ये एक नंबर का क्वेश्चन एग्जाम में हमेशा पूछता है कि ये जो टेंडर कोकोनट से हम लोग कोकोनट वाटर पीते हैं वो किस चीज़ का एग्जाम्पल है, तो वो फ्री न्यूक्लियर इंडोस्पर्म का एग्जाम्पल है। दूसरा है सेलुलर इंडोस्पर्म, यानी कि धीरे धीरे क्या होगा कि जो फ्री न्यूक्लियस तो बन गया, अब न्यूक्लियस बनने के बाद में उस न्यूक्लियस के चारों तरफ जब सेल वाल का फॉर्मेशन हो जाता है तो इंडोस्पर्म सेलुलर हो जाता है, उसको ही हम लोग कहते हैं सेलुलर इंडोस्पर्म। और उसका एग्जाम्पल है जो कोकोनट का हम लोग व्हाइट पार्ट जो खाते हैं, यानी कि ये जो व्हाइट पार्ट है व्हाइट कर्नेल, वो सेलुलर इंडोस्पर्म का एग्जाम्पल है, और जो नारियल पानी हम लोग पीते हैं वो फ्री न्यूक्लियर इंडोस्पर्म का एग्जाम्पल है। अब ये इंडोस्पर्म नरिशमेंट प्रोवाइड करता है एम्ब्रियो को, तो इस नरिशमेंट प्रोवाइड करने के दौरान में वो इंडोस्पर्म या तो पूरी तरह से कम्प्लीटली कंज्यूम हो जाएगा, जिसका एग्जाम्पल है पी, ग्राउंड नट, बीन्स एट्सेट्रा, यानी कि आमतौर पर डाइकोट एम्ब्रियो में, डाइकोट प्लांट्स में ये इंडोस्पर्म कंज्यूम हो जाता है सीड मैच्योरिटी से पहले, और अगर ये मैच्योर सीड में
मौजूद रहता है। तो दो तरह से हो सकता है, या तो इंडोस्पर्म पूरी तरह से कंज्यूम हो जाए या फिर वो कंज्यूम ना हो, बचा रह जाए, जैसे कि मेज में, व्हीट में, कोकोनट, कैस्टर, ये सब में बचा रह जाता है। अब है इम्ब्रियो। तो इम्ब्रियो डेवलप हो रहा है मैक्लोपैलर एंड पे इम्ब्रियो साइट के, और जहाँ पे जाइगोट था, क्योंकि जाइगोट से ही इम्ब्रियो का फॉर्मेशन हो रहा है। अब ये क्वेश्चन भी के इम्ब्रियो डेवलपमेंट, जिसको हम लोग इम्ब्रायोजेनी भी कहते हैं, तो ये जो स्टेजेस है, ये स्टेजेस से या ये जो डायग्राम है, इससे भी क्वेश्चन एग्जाम में आता है। तो ये डिफरेंट स्टेजेस जो है, यानी कि जाइगोट है, जाइगोट जो है यहाँ पे प्रो इम्ब्रियो का फॉर्मेशन करेगा, प्रो इम्ब्रियो के बाद में फिर ग्लोबुलर इम्ब्रियो, यहाँ पे प्रो इम्ब्रियो का डायग्राम नहीं दिया हुआ है, तो ये प्रो इम्ब्रियो, प्रो इम्ब्रियो के बाद में ग्लोबुलर, उसके बाद हार्ट शेप्ड, और हार्ट शेप्ड के बाद में मैच्योर इम्ब्रियो बनता है, और मैच्योर इम्ब्रियो के अंदर में ही ये रेडिकल और प्लूम्यूल है, कॉटिलेडन है, जहाँ हम लोग जानते हैं कि रेडिकल आगे जाकर रूट में कन्वर्ट हो जाता है, प्लूम्यूल शूट में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये जो स्टेजेस है कि प्रो इम्ब्रियो, प्रो इम्ब्रियो के बाद में ग्लोबुलर, फिर हार्ट शेप्ड और मैच्योर इम्ब्रियो का फॉर्मेशन होना, तो ये स्टेजेस से भी क्वेश्चन एग्जाम में 2 नंबर का पूछता है। अब डाइकोट इम्ब्रियो, अब जो इम्ब्रियो है वो डाइकोट और मोनोकोट में दोनों अलग तरह से होता है। तो ये डाइकोट इम्ब्रियो का डायग्राम जो है, ये डायग्राम भी 2 नंबर का क्वेश्चन एग्जाम में आता है, क्योंकि ये करीब ये 5 चीज़ यहाँ पे है, कोई भी 4 चीज़ को लेबलिंग करने के लिए दे देगा, तब भी 2 नंबर का क्वेश्चन, या एग्जाम में डायग्राम बना करके लेबलिंग करने के लिए आएगा, तब भी 2 नंबर का क्वेश्चन यहाँ से आता है। तो ये जो डाइकोट इम्ब्रियो है, इसके अंदर में इम्ब्रायनल एक्सिस है, और इम्ब्रायनल एक्सिस के साथ में 2 कॉटिलेडन है। अब जो इम्ब्रायनल एक्सिस का जो पोर्शन कॉटिलेडन के ऊपर पाया जाता है, उसको हम लोग कहते हैं ये एपिकोटाइल है, जो आगे जाकर प्लूम्यूल में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी कि यहाँ पर का रीजन। और जो रीजन नीचे पाया जाता है, कॉटिलेडन के नीचे पाया जाता है, उसको हम लोग हाइपोकोटाइल कहते हैं। हाइपोकोटाइल आगे जाकर रेडिकल या रूट टिप में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये, और जो रूट टिप है वो कवर होता है रूट कैप के साथ में, रूट कैप से वो कवर्ड होता है। मोनोकॉट इम्ब्रियो में ये हम लोग जानते हैं कि मोनो यानी कि सिंगल सिंगल कॉटिलेडन पाया जा रहा है, डाइकॉट में 2 कॉटिलेडन पाए जा रहे थे। यहाँ पे चूंकि ये 6 चीज़ हो रहा है, इसलिए यहाँ पे 3 नंबर का ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछता है, लेबलिंग करने के लिए भी या फिर डायग्राम बनाने के लिए। तो यहाँ पर 1 नंबर का क्वेश्चन ये भी कि जो ग्रास फैमिली होता है, उसमें कॉटिलेडन को हम लोग स्कूटलम कहते हैं, ये स्कूटलम है। तो ये 1 मार्क्स क्वेश्चन बनता है कि स्कूटलम क्या है, या कॉटिलेडन को ग्रास फैमिली में क्या कहते हैं, तो वो स्कूटलम कहते हैं। वहीं जो उसका लोअर एंड है एम्ब्रायनल एक्सिस का, जिसको कि हम लोग वहाँ पे वो रेडिकल है, और रूट कैप जो है वो इनक्लोज है एक अनडिफ्रेंशिएटेड शीट से, जिसको कि हम लोग कहते हैं कोलियोर हिज़ा। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछता है कि नेम द फॉलोइंग, इस टाइप से कि नेम द अनडिफ्रेंशिएटेड शीट इन मोनोकॉट। तो वैसे ही इसको हम लोग कोलियोर हिज़ा कहते हैं। और जो एम्ब्रायनल एक्सिस के ऊपर का जो पार्ट है, उसको हम लोग इपिकोटाइल कहते हैं, और इपिकोटाइल के अंदर जो है वो शूट एपेक्स वहाँ पे पाया जा रहा है, कुछ लीफ प्रीमोडिया है जो कि बिल्कुल हॉलो एक स्ट्रक्चर प्रेजेंट करते हैं, जिसको कि हम लोग कोलियोप्टाइल कहते हैं। तो ये हुआ मोनोकॉट इम्ब्रियो के बारे में। नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे सीड के स्ट्रक्चर के बारे में, डिफरेंट टाइप के सीड होते हैं, और एपोमिक्सिस पॉलीएम्ब्रियनी के बारे में, जो कि लास्ट पार्ट होगा इस चैप्टर का। तब तक आप लोग अपना ख्याल रखें। अलविदा।